दिस इज़ GSM एंड GPS बेस्ड एक्सीडेंट डिटेक्शन सिस्टम। यहाँ पे हमारा GSM मॉड्यूल है जिसमें सिम कार्ड है, यहाँ पे GPS मॉड्यूल है, ये हमारा डिस्प्ले है, इसके अंदर आर्डिनो है हमारी और कनेक्शंस है, ये हमारी कार है। इसमें हम लोग ने ऐसा सिस्टम फिट किया है। दो टाइप के सिस्टम्स है, एक मैनुअल है और एक ऑटोमेटिक सिस्टम। सो व्हाट हैपन्स इज यहाँ पे डिस्प्ले पे कंटिन्यूसली एक्स वाई और जेड एक्सिस, जो कि यहाँ पे एक्सलरोमीटर है यहाँ पे इसके अंदर, तो वो उसके थ्रू वहाँ पे जा रहा है एक्स वाई और जेड एक्सिस। नॉर्मली यहाँ पे वाइब्रेशन सेंसर है, ये बज़र है, और यहाँ पे दो साइड पे अल्ट्रासोनिक सेंसर है। अब क्या होता है, मैं आगे या पीछे, अभी हम लोग मैनुअल मोड ट्राई करेंगे, तो जब जैसे ही मैं मैनुअल मोड में आगे या पीछे हाथ डालता हूँ तो एक बीप बजेगा, बीप से, और यहाँ पे बताएगा ऑब्जेक्ट टू क्लोज, प्रेस इमरजेंसी बटन इफ़ यू आर इन डेंजर। तो अगर मैं ये बीप के टाइम पे हाथ रख के सामने ये बटन, अंदर जो है एक बटन है अंदर, तो मैं प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे सेंडिंग मैसेज दिखाएगा। यानी अगर बंदा रियली किसी डेंजर में है तो उनके जो आसपास के जो क्लोज मेंबर्स हैं उनको मैसेज चला जाएगा। यहाँ पे मैसेज सेंट आया है। तो यहाँ पे मैसेज आया है हम लोगों को। अब मैं इस लिंक पे अगर मैं ओपन करूँगा, गूगल मैप्स की लिंक है, तो जहाँ पे भी ये कार डेंजर में होगी वहाँ का लोकेशन पहुँच जाएगा। तो अभी ये यहाँ की लोकेशन दिखा रहा है, राइट। अभी नेक्स्ट इसमें एक ऑटोमेटिक मोड है, जिसमें क्या होगा कि वी डोंट नीड कि ये अगर गाड़ी ज़रा भी टिल्ट हुई ऐसे, तो ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। यहाँ पे दिखाएगा कि एबनॉर्मल वाइब्रेशन डिटेक्टेड, और ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा ये गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा टिल्ट हो चुकी है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैसेज आ गया, राइट। हमारी सेम गूगल लिंक आई, उसको ओपन करके हम लोग लोकेशन पे जा सकते हैं, राइट।